नॉर्मल डिलीवरी में कितना पेन सहना पड़ता है, क्या एपिड्यूरल लेना सही है, एपिड्यूरल का क्या क्या साइड इफेक्ट होता है बाद में जा, क्या नॉर्मल डिलीवरी में बेबी का लाइफ रिस्क ज्यादा हो जाता है। सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल ग्राम विद मी। आज मैं आपके सारे सवालों के आंसर करूंगी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल गाइस, आप नॉर्मल डिलीवरी चाहते हो या सी सेक्शन, ये कम्प्लीटली आपकी डिसीजन है। सो मैं शुरू से नॉर्मल डिलीवरी चाहती थी, उसके लिए मैंने कुछ प्रिपरेशन लिया, मेरा नॉर्मल डिलीवरी हुआ, मेरा नॉर्मल डिलीवरी का क्या एक्सपीरियंस था, सो वो आज आपके साथ मैं शेयर करना चाहती हूँ। तुम्हारा 10 सेंटीमीटर ओपन हो चुका है, तो मैंने बोला वाओ अभी अब जल्दी से कराओ। टाइम पे ये जो पोर्शन आप देख रहे हो ना, तब नीचे नहीं, ये पोर्शन में खतरनाक पेन हो रहा था। हाथ को पकड़ना है, पैर को पुश करना है, और आपकी जो ब्रीथ है ना उसको ऐसे करके, फिर ऐसे प्रेशर दे के ब्रीथ। निर्मल बोल रहे हैं बेबी का सर आ रहा है, और जब मैं छोड़ रही हूँ सर अंदर जा रहा है। कि जो डॉक्टर है फोर्सेप जो है ना, वो लेने ही वाली थी कि मैंने फटाक्स बेबी निकल गया। मुझे ऐसे लगा कि मेरे सारे ऑर्गन्स निकल गए। अगर डॉक्टर कट नहीं करते हैं और वो फट जाती है। 16 जनवरी मैं अनिर्वाण के साथ थोड़ा सा बाहर गई थी, 10 मिनट की रास्ता था। आने के बाद दोपहर का टाइम हो रहा था, 1:30 बज रहा था। सडनली मुझे फील हुआ कुछ वाटर स्प्लैश हो रहा है, ऐसे कुछ मतलब ऐसा हो रहा है कि यूरिन मेरा निकल रहा है, स्टॉप नहीं हो रहा है। सो मैंने अनिर्वाण को बोला कि शायद मेरा वाटर ब्रेक हो रहा है। अनिर्वाण ने बोला फटाफट तुम नहा के खाना खा लो, फिर हम हॉस्पिटल जाएंगे। तो अगर आपको ऐसा फील हो रहा है कि वाटर ब्रेक हो रहा है, तो ऐसा नहीं है कि आपको भाग के हॉस्पिटल जाना है। आपके पास कम से कम 1.5-2 घंटा रहता है, आप आराम से रेडी होकर हॉस्पिटल जा सकते हो। तो हमने मैंने नहाया, फिर लंच किया, फिर हम लोग हॉस्पिटल गए। हॉस्पिटल हमारे घर से 5 या 10 मिनट की डिस्टेंस में है। हॉस्पिटल जाते ही उन लोगों ने मुझे चेक किया। मेरा जो हॉस्पिटल है वो रेनबो हॉस्पिटल कोंडापुर है, हैदराबाद की। उन्होंने चेक करने के बाद उन्होंने बोला कि हाँ वाटर ब्रेक हो चुका है। मेरा जो डॉक्टर है, उनका नाम है डॉक्टर अखिला, उनको कॉल किया, वो 5 मिनट के अंदर आ गई थी। उन्होंने बोला क्या हुआ मानुषिता, ठीक है वाटर ब्रेक हो गया है, 24 आवर्स के अंदर तुम्हारा डिलीवरी होना है, नहीं तो बेबी को प्रॉब्लम हो जाता है आफ्टर वाटर ब्रेक। भाई यही हाँ, वो लोग 24 आवर्स के अंदर बेबी को डिलीवर कर, हाँ कैसे भी करके, अगर नॉर्मल में हो जाता है तो अच्छा, नहीं तो सी सेक्शन, तो पेन इंडोज कराना पड़ेगा क्योंकि पेन मेरा स्टार्ट नहीं हुआ था। तो 3 बजे मुझे एडमिट कर लिया गया और बोला 5 बजे मुझे पेन इंडोज कराने के लिए दवाई देंगे। तो फर्स्ट 3 बजे जब मुझे एडमिट कराया, तब मुझे कुछ आईवी एंटीबायोटिक ऐसा कुछ हाथों में, आप देखेंगे मेरी डिलीवरी वीडियो में एक चैनल भी किया था, और एक ऐसा इंजेक्शन हाफ या कुछ थोड़ा सा दिया था, और वो लोग टेस्ट कर रहे थे कि उसमें मुझे कुछ प्रॉब्लम हो रहा है कि नहीं। फिर आधे घंटे बाद फुल डोज दिया। फुल डोज मुझे जैसे ही वो इंजेक्शन का लगा, विद इन 10 सेकेंड मैंने उल्टी कर दिया। तो उसके बाद उन्होंने फुल डोज लगा दिया था, कोई मुझे प्रॉब्लम नहीं था, और मैं ना हल्का हल्का फील कर रही थी कि मुझे पीरियड का जैसा पेन होता है ना, उस तरह से थोड़ा थोड़ा पेन हो रहा है। और 4 बजे से मैं फील कर रही थी कि हाँ मुझे थोड़ा सा शायद कॉन्ट्रैक्शन का ही पेन ही स्टार्ट हो रहा है। 5 बजे मुझे पेन इंडोज कराने के लिए उन्होंने दवाई दिया। तो किसी किसी का पेन इंडोज कराने के बाद भी पेन स्टार्ट नहीं होता है, उनको सेकेंड डोज दे के पेन इंडोज कराते हैं। मेरा पेन इंडोज कराने के बाद पेन जो है ना, वो काफ़ी हद तक ऐसे 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 करके बढ़ने लगा था। 6 बजे और अप्रॉक्सीमेटली 6:30 बजे मुझे ये समझ में आ गया था इसके बाद मैं कुछ खाना नहीं खा सकती हूँ, ऐसी हालत हो रही है मेरी। तो अनिर्बान जाके नर्स या स्टाफ को बोला कि आप कुछ खाना है तो उसको दे दीजिए। उन्होंने बोला 7:30 बजे डिनर का टाइम है, उस टाइम पे उसको डिनर दिया जाएगा। फिर 7:30-7:45 बजे मुझे डिनर सर्व किया। उस टाइम में आके मेरा लाइट डिनर था, इडली, हाँ इडली इडली सांभर ऐसा था, पर उस टाइम में आके मेरा पेन काफ़ी बढ़ चुका था। तो मैं खाना खा रही थी, फिर हटा रही थी, ऐसा कर रही थी, ठीक है। तो मेरा जो कॉन्ट्रैक्शन जनरली क्या होता है, स्टार्टिंग में आधा घंटा, 20 मिनट्स, 10 मिनट्स ऐसे करके एक बार कॉन्ट्रैक्शन आता है 30 सेकेंड्स 1 मिनट तक, फिर चला जाता है, फिर 15 मिनट, फिर 10 मिनट, ऐसे ऐसे गैप्स में आता है। पर मेरा पता नहीं क्या था, मेरा मुझे हर 2-3 मिनट में कॉन्ट्रैक्शन आ रहा था। कॉन्ट्रैक्शन थोड़ा सा कम टाइम के लिए हो रहा था, 10 सेकेंड 20 सेकेंड 30 सेकेंड्स, पर हर 2 मिनट 3 मिनट 4 मिनट में कॉन्ट्रैक्शन आ रहा था। फिर ऐसे करते करते मैं 9 बजे तक
पेन सह लिया, साढ़े नौ बजे तक सह लिया। उस टाइम पे जो ड्यूटी डॉक्टर थी वो आके चेक किया कि मेरा कितना डायलेशन हुआ है। इससे पहले मैं बोल दूँ गाइज, मेरा 2 सेंटीमीटर सार्विक जो एरिया है वो डायलेशन हो गया था। 10 सेंटीमीटर सर्विक डायलेशन होने के बाद ही आपका नॉर्मल डिलीवरी हो सकता है। तो उन्होंने फिजिकली, वो लोग चेक करते हैं, वो पेनफुल होता है काफ़ी हद तक, तो उन्होंने चेक किया और बोला 3 सेंटीमीटर डायलेशन हो चुका है, अभी आप चाहो तो एपिड्यूरल में जा सकते हैं। सो 9:30 बजे अनिर्बान को डॉक्टर ने बोला कि इसको एपिड्यूरल दे दो, और मैं चीखने लगी थी, आ आ ऐसा करने लगी थी, काफ़ी पेन हो रहा था। पेन मेरा ये जो साइड है ना, इस साइड पर जैसे पीरियड का पेन होता है वैसा ही पेन आ रहा था, बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था। तो फिर हमने डिसाइड किया हम एपिड्यूरल में जाएंगे। सो एपिड्यूरल क्या होता है गाइस, आपके जो स्पाइन है ना, इधर पे आपको एक इंजेक्शन जैसा दिया जाता है और एक चैनल बना देते हैं। वो लोग वो कंट्रोल कर सकते हैं, ज़्यादा कर सकते हैं, कम कर सकते हैं, जो कंट्रोल करना ज़रूरी भी होता है। और जब तक ना वो, मतलब आपका डिलीवरी का टाइम आ गया है, वो लोग उसको कंटिन्यूएशन में रखते हैं। वो डॉक्टर के ऊपर डिपेंड करता है, हॉस्पिटल के ऊपर भी डिपेंड करता है। सो हमने डिसाइड किया हम एपिड्यूरल ले लेंगे। एपिड्यूरल लेने में गई, उस टाइम पे ना मेरा हर एक मिनट में कॉन्ट्रैक्शन आ रहा था, और बहुत हेवी कॉन्ट्रैक्शन आ रहा था, मैं बहुत चीखने लगी थी। पर जो एपिड्यूरल दे रहे थे उन्होंने बोला कि आप डीप ब्रीथ करो, ये हमेशा नर्स भी बोलेंगे कि आप जब पेन हो रहा है तब ऐसे करोगे तो पेन कम फील होगा। पर ऑनेस्टली गाइस, इतना पेन होता है कि आप वो नहीं कर सकते हो, पर करना चाहिए। फिर उन्होंने, मैंने बोला कि आप मुझे कैसे इंजेक्शन पुश करोगे, क्योंकि मैं तो हर एक मिनट में कॉन्ट्रैक्शन आ रहा है, और मैं, मतलब ऐसा पेन होगा कि आप ऐसे करोगे, आप स्टेडी नहीं रह सकते। तो उन्होंने बोला कि तुम मुझे बताना कि कॉन्ट्रैक्शन आ रहा है, मैं उस जगह पे उसको स्टॉप कर दूंगा। वो इतने एफिशिएंट थे वो, जिन्होंने मेरे एपिड्यूरल एनेस्थीसिया जो दिए थे, उन्होंने क्या किया, फर्स्ट उन्होंने सब चैनल वैलन करके ऐसे पुश कर रहे थे। उस टाइम पे मैंने बोला रुक जाइए, मुझे आ रहा है, आ रहा है, फिर चीखने लगी। फिर उन्होंने आधा लगाया, उस टाइम पे फिर से मुझे आ गया, और आधा लगा के वो स्टॉप करके रखे थे। फिर कॉन्ट्रैक्शन गया, फिर उन्होंने पूरा पुश किया। सो जो लोग बोलते हैं कि एपिड्यूरल में पैरालिसिस हो जाता है, एपिड्यूरल में ये वो पेन होता है, मेरा तो इतना क्रिटिकलिटी हुआ है एपिड्यूरल देने में, पर मुझे विद इन, मतलब नेक्स्ट डे 12 आवर्स के बाद से मुझे पता ही नहीं था कि कहाँ पे एपिड्यूरल लगा है। ये टोटली डिपेंड्स ऑन डॉक्टर कितना प्रोफिशिएंट है। हाँ, हॉस्पिटल डॉक्टर के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कैसे एपिड्यूरल देते हैं, कितना उनका एक्सपीरियंस है। सो बिफोर योर डिलीवरी एक अच्छा हॉस्पिटल, एक अच्छा डॉक्टर चूज करना आपका होमवर्क है। ये अगर आप कर लिया ना, तो आपका नॉर्मल डिलीवरी ऐसे करके हो जाएगा। सो नेक्स्ट क्या हुआ, 10 बजे एपिड्यूरल लगा मुझे। 10:30, 11:15 तक भी थोड़ा थोड़ा पेन था। फिर 11 बजे तक जाते जाते उन्होंने बोला था कि 70-80% पेन जो है ना चला जाएगा, और पेन सच में 80% चला गया था। मैं थोड़ा सा रिलैक्स हो गई थी। एपिड्यूरल में कई बार ऐसा होता है गाइस कि आपको नींद आ जाती है, और मुझे नींद आना स्टार्ट हो गया था, ऐसे हो रहा था, मतलब मैं कॉन्शियस थी, बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था, उसके बाद इतना अच्छा सा एक फील हुआ, तो शायद इस वजह से हो, थोड़ा सा मैं सो गई थी, ठीक है। तो उसके बाद 11 बजे फिर अनिर्बान भी दूसरे रूम में जाके थोड़ा सो गए थे। फिर 12:00 बजे 1 बजे ठीक ठाक था। फिर 1:30 बजे से मैंने नोटिस कर रही थी कि उस टाइम पे ना आपके पेट में एक ऐसी चीज़ लगाते हैं, उससे बेबी का हार्ट बीट कंटिन्यूसली वो लोग मॉनिटर करते हैं, जब से आप एडमिट हो जाते हो तब से। तो मैं कुछ फील कर रही थी कि बेबी की हार्ट बीट शायद ड्रॉप कर रहा है, क्योंकि नर्स ऐसे ऐसे देख रहे थे, और साउंड सुन के लग रहा था कि वो कम हो रहा है। जनरली बेबी की हार्ट बीट 140, 150, 180 ऐसा होता था, कम हो रहा है। फिर 150-170 ऐसा होता है, ठीक है, फिर कम हो रहा है। फिर मैंने बोला, नर्स मेरा इतना उस टाइम पे हालत था, फ़ोन बाजू में था पर मैं इसको फ़ोन नहीं कर सकती थी, मैंने नर्स को बोला कि अभी आप मेरे हस्बैंड को बुलाइए, अभी बुलाइए, क्योंकि मुझे लगा था कि नर्स से बोलने से बेटर है मैं अपने हस्बैंड को बुलाऊं। और बहुत ही अच्छा हॉस्पिटल है कि मेरी फुल डिलीवरी तक अनिर्बान का अलाउ किया हुआ था उन लोगों ने। तो अनिर्बान को बुलाया डिलीवरी रूम, यस, अनिर्बान आए। फिर मैंने बोला कुछ गड़बड़ है, बेबी का हार्ट बीट शायद ड्रॉप कर रहा है, तुम प्लीज़ एक बार चेक करो। तो अनिर्बान भी चेक कर रहे थे, और हाँ, बेबी का हार्ट बीट तो 60 में आ गया था,
और अनिर्बान मैं खूब बहुत डर गई और मुझे हम बोल रहे थे कि डीप ब्रीथ करो ब्रीथ करो ब्रीथ करो, और मुझे भी ऑक्सीजन लगा दिया क्योंकि मुझे ऑक्सीजन की कमी हो रही थी। तो मैं फुल 3 से 4 घंटा ऑक्सीजन सपोर्ट में ही रही, तो ऑक्सीजन चला दिया था। फिर डॉक्टर के पास अनिर्बान गए थे, पूछा था कि ऐसा होता है क्या। डॉक्टर ने क्या बोला कि नॉर्मल डिलीवरी हो रहा है राइट, और कॉन्ट्रैक्शन जो है वो बहुत ज़्यादा हो चुका है। हालांकि इसको समझ में नहीं आ रहा है बिकॉज एपिड्यूरल चल रहा था, इसलिए इसको फील नहीं हो रहा था, पर कॉन्ट्रैक्शन का जो फोर्स है काफ़ी ज़्यादा हो गया था और बहुत जोर से वो दबाव दे रहे थे बच्चे के ऊपर। कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है, आपके जो यूट्रस है ना ऐसे खींचता है, मसल सारे खींचते हैं, बेबी को नीचे लगने। हाँ, तो बेबी के ऊपर प्रेशर बढ़ रहा था। तो डॉक्टर ने क्या बोला मुझे कि अभी इसका जो हार्ट बीट है 60 में आ गया है, बट ये अगर कंटिन्यूसली 60 में रहता है देन विल गो फॉर सी सेक्शन इमीडिएटली, अदरवाइज ये अगर अगर इसका फ्लैक्चुएशन हो कॉन्ट्रैक्शन आने पे कम हो रहा है, फिर कॉन्ट्रैक्शन जाने पे बढ़ रहा है, देन विल कंटिन्यू, ये नॉर्मल है, ऐसा होता है। तो ये नॉर्मल है, तो इसमें घबराने का कोई चीज़ नहीं है, बट स्टिल ये एक फेज होता है जिस टाइम हम लोग सब घबरा जाते हैं। तब मैं डर गई थी, हम दोनों मतलब ऑलमोस्ट डॉक्टर के पैर पकड़ लिए थे कि आप सी-सेक्शन कर दो। और मैं इसको गाली दे रही थी कि तुमने नॉर्मल डिलीवरी क्यों बोला, अभी बेबी का कुछ होगा ना तो मैं छोड़ दूंगी नहीं। तो होता है, ऐसा होता है, देखो जो नॉर्मल डिलीवरी में जाते हैं फर्स्ट टाइम वो चीखने लगते हैं और बोलते हैं कि मेरा सी-सेक्शन करवा दो, मेरा सी-सेक्शन करवा दो, इतना पेन होता है, बहुत पेन होता है। पर उस टाइम एक ही दिन है अगर आप सहलोगे और आपके हस्बैंड थोड़ा सा आपको मतलब हाँ हो जाएगा कर लेगा ना, तो हो जाएगा, सीरियसली हो जाएगा। नॉट ओनली हस्बैंड, इसमें डॉक्टर का इन्वॉल्वमेंट भी काफी जरूरी है। डॉक्टर ने बोला कि आप बोलोगे तो भी नहीं करेंगे, वो सह रही है ना, हो जाएगा उसका, डोंट वरी, आप सी सेक्शन के लिए मत बोलो, वो कर लेगी। नहीं, मैं बताता हूँ, एक टाइम ऐसा हुआ था जब ये तो बोली रहती कि मुझे सी सेक्शन करवा दो, मैं तब भी थोड़ा स्टिक था कि नहीं विल गो फॉर नॉर्मल, बट उसके बाद मुझे भी लगा कि नहीं ये हद से बाहर जा रहा है, हाथ से बाहर जा रहा है, अब तो हमें शायद सेक्शन में जाना चाहिए, नहीं तो अब लाइफ रिस्क हो जाएगा मे बी, मैं ये सोच रहा था। बट जब ये चीज़ मैं डॉक्टर के साथ डिस्कस किया, डॉक्टर ने बोला कि नहीं, कि हमें पता है कि हम लोग क्या कर रहे हैं, हमें पता है इसका रिस्क कितना चल रहा है, तो ये कितना सह सकते हैं, वी नो दैट विल गो फॉर नॉर्मल डिलीवरी ओनली, अगर इनकेस कुछ प्रॉब्लम होता है देन एपिड्यूरल से ही हम लोग ये जो नॉर्मल डिलीवरी का प्रोसेस है एनेस्थेसिया को बढ़ा देंगे और में मूव कर सकते हैं। सेम टेबल पे वही मैं लेडी में हो जाएगा, उस रूम पे सब कुछ हो सकता है, सी सेक्शन नॉर्मल सब हो सकता है। इनफैक्ट उस रूम पे वो लोग पूरा अरेंजमेंट करके रखे थे सी सेक्शन का और नॉर्मल डिलीवरी का। फिर ऐसे करते करते ऑलमोस्ट 3:30 बज गया था और डॉक्टर आके फिर से हाथों से वो लोग चेक करते हैं, पर एपिड्यूरल में क्या होता है ना, हल्का आपको ऐसा फील होता है कि पैर में सेंस कम है, तो तब मुझे पेन फील नहीं हो रहा था जब वो चेक कर रही थी। हर 4 घंटे में वो आके चेक करती है कितना डायलेशन हुआ है, तो उन्होंने चेक करके बोला कि 8 सेंटीमीटर खुल चुका है, डायरेक्ट 3 से 8 हो गया था, इसीलिए मुझे हाई कॉन्ट्रैक्ट, जितना ज़्यादा कॉन्ट्रैक्शन आएगा उतना जल्दी आपका सर्विक जो है ना ओपन होता है। तो डॉक्टर ने बोला 8 हो गया है, अभी 2 सेंटीमीटर होने पे हो सकता है, और ये 8 से 10 सेंटीमीटर का जो होता है ना ये काफ़ी फास्ट होता है। हाँ, फिर उसके बाद मुझे शायद एपिडुरल का डोज कम कर दिया कि क्या हुआ, मुझे पेन बहुत होने लगा उस टाइम पे, पता नहीं क्यों। डॉक्टर ने आके बोला कि 7 सेंटीमीटर के बाद से जो है ना एपिडुरल थोड़ा सा कम काम करता है, या तो वो लोग कम कर देते हैं, तो आपको फिर से मतलब 20-30% या 40% एपिडुरल सपोर्ट देता है, बाकी 60% जो है ना आपको सहना पड़ता है पेन, और 10 सेंटीमीटर आते आते आपको 90-80% जो है ना पेन सहना होता है। ये डिपेंड करता है, वो डिपेंड करता है पेशेंट टू पेशेंट। रीज़न ये है कि फाइनली जब डिलीवरी होता है उस टाइम पुश करने के लिए, तो मदर को उस टाइम अगर यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन फील नहीं होगा तो पुश नहीं कर पाएगी, कॉन्ट्रैक्शन पे ही आपको पुश करनी होती है। और एक चीज़ है कि एपिड्यूरल से ना ये जगह सेंसलेस हो जाता है, तो उसमें आप पुश करने का जो ताकत होता है वो मसल काम नहीं करेगा, मे बी ये हो सकता है। सो फिर डॉक्टर ने बोला कि अभी आपको पेन सहना पड़ेगा, और मैंने ना फिर से उल्टी कर दिया, ठीक है, वो इडली खाया था वो उल्टी हो गया। उसके बाद मैं पेन सहती गई, फिर आधे घंटे बाद होके फिर से चेक करने लगी, आधा घंटे एक घंटे में, 4:15 हो रहा था, तब उन्होंने बोला कि तुम्हारा 10 सेंटीमीटर ओपन हो चुका है। तो मैंने बोला वाओ, अब जल्दी से कराओ। तो उन्होंने बोला ऐसे नहीं होता है, कैसे होता है, मुझे लगा था 10 सेंटीमीटर
खुलेगा और बेबी खराक से आ जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है गाइस। तो उन्होंने बोला कि बेबी का अभी भी हेड डाउन नहीं हुआ है प्रॉपरली। नहीं, हेड डाउन हुआ था, हेड का पोजीशन ठीक नहीं था। पोजीशन ठीक था, हेड ऐसा ऐसा चीज है, ठीक है, बेबी का हेड इधर तक, इतना तक आना है तभी बेबी निकल सकती है, ठीक है। तो इसीलिए क्या करना है, बॉल के ऊपर आपको एक्सरसाइज करना है, इतना बड़ा सा एक बॉल रहता है उसके ऊपर ऐसे ऐसे आपको जंप करना होता है। तो मेरे इधर पे एक चैनल लगाया हुआ था, एपिडुरल का ऑक्सीजन मास्क लगाया हुआ था, उसके ऊपर मैं अनिर्बन और एक नर्स था, वो नर्स बहुत अच्छी थी, हमेशा हर दो मिनट में आके मुझे बोल रही थी डीप ब्रीथ डीप ब्रीथ, मैं चिल्ला रही थी और मुझे ऐसा लगता मैं सब कुछ फेंक के मारूंगी। ये तो नर्स के ऊपर भी चिल्ला रही थी उस टाइम। क्यों ऐसा होता है, ये बहुत ही कॉमन सी चीज़ है। तो मैं बॉल के ऊपर एक्सरसाइज कर रही थी, दोनों को पकड़ के ऐसे ऐसे जंप कर रही थी ताकि ऐसे ऐसे प्रेशर आए और बेबी का सर और नीचे आए। और उसके बाद टाइम दो बार तीन बार उल्टी भी हुआ, हो गया नहीं उस टाइम पे, एक बार उस टाइम पे मुझे नर्स ने बोला कि आपको क्या चाहिए, सूप चाहिए या इलेक्ट्रोल चाहिए। तो मैंने बोला कि मुझे कुछ हजम नहीं होगा, आप इलेक्ट्रोल दे दो, क्योंकि मुझे ताकत चाहिए ना, फोर्स उसको चाहिए निकालने के लिए, मुझे उल्टी होकर सारा खाना निकल चुका था सुबह से। तो उन्होंने मुझे इलेक्ट्रोल दिया और मैं इलेक्ट्रॉल पी रही थी, बॉल के ऊपर डांस मतलब सॉरी जंप कर रही थी, ओ ऐसा कर रही थी, पेन हो रहा था, फिर मुझे उल्टी हो गया, इलेक्ट्रॉल भी मेरा गया, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, 5 बज रहे थे ऑलमोस्ट, फिर डॉक्टर आके चेक करके बोला हाँ हेड डाउन हो गया। तो मैंने बोला अभी तो निकालो और किसका वेट करो। तो मेरा जो मेन डॉक्टर था वो आ चुकी थी, पर वो मेरे रूम में तब तक नहीं आई थी, दूसरा ब्लॉक में थे, दूसरा ब्लॉक में थे कि पता नहीं, मतलब प्रोसेस चल रहा था मेरा तभी भी। डॉक्टर ने बोला कि हाँ अभी टाइम लगेगा, अभी सर आया है, पता नहीं किस चीज़ का टाइम, फटाफट निकालो ना, मुझे बहुत पेन हो रहा ये था। फटाफट नहीं होता, नहीं होता है, टाइम लगता है। तो मेरा ना उस टाइम पे ये जो पोर्शन आप देख रहे हो ना, तब नीचे नहीं, ये पोर्शन में खतरनाक पेन हो रहा था, पेन के मारे में मतलब मैं ऐसे हो रही थी, ऐसे हो रही थी, ऐसे कर रही थी, मेरा आँख उलट रहा था, मतलब बहुत पेन हो रहा था। फिर ऐसे करते मैं ऑलमोस्ट 1 घंटा वो पेन मैंने सहा, और मैं सोच रही थी कि कब कब, वो बोल रहे थे कि 6 बजे अप्रॉक्सीमेटली डिलीवरी हो जाएगा, 6:30 तक आपको वेट करना है, इसी पेन से रहना है आपको। एक्चुअली वो लोग ना धीरे धीरे बताते हैं, पहले बताते हैं 20 मिनट्स, फिर बोलते हैं और 10 मिनट्स, हाँ, ऐसे ऐसे, ऐसे कर रहे थे। फिर 6 बज गया था और मैं अनिरुद्ध को बोली थी और मुझसे नहीं हो रहा है, प्लीज़ अभी निकालो इसको। फिर नर्स बोल रही थी इसको, देखो इधर आके बेबी का हेड जो है ना वो दिख रहा है। तो अनिरुद्ध आके देखा, मैं एक्चुअली देखा कि बेबी का जो बाल है वो दिख रहा था। तो हाँ। उस टाइम ये इतना ज्यादा मतलब रो रही थी नर्स। तो नर्स बोला कि आप पुश करो, मैं डिलीवरी करता, आई डोंट नो मे बी वो इसको जस्ट हाँ। ऐसे ही ऐसे नहीं होता है, मतलब उनको एक टाइम लगता है होने हाँ। में उनको पता रहता है कि कब बेबी का डिलीवरी एक्चुअल में हो सकता और है। उस टाइम ना पूरा बेड का पोजीशन भी हाँ, उस टाइम पे 2 मिनट के लिए अनिर्बन डॉक्टर से बात करने गए, आके देखा पूरा रूम का जो बेड था ना ऐसा बेड में लेटी हुई थी, फिर नीचे का जो पोर्शन उसको ऐसे कर दिया और पैर को सेपरेट कर दिया, पैर रखने के लिए एक स्टैंड लगा दिया, हाथ को पकड़ने के लिए एक स्टैंड था, क्योंकि जब आप डिलीवरी कर रहे होते हो तो हाथ को ऐसे पकड़ना होता है और पैर को ऐसे पुश करना होता है, हाथ को पकड़ना है, पैर को पुश करना है, और आपकी जो ब्रीथ है ना उसको ऐसे करके फिर ऐसे प्रेशर दे के ब्रीथ को रोकना है, आपको ब्रीथ को ऐसे रोक देना है, जब तक आप रोक के रहोगे तब तक उस टाइम पे ही बेबी फटाक से निकल जाता है। तो ये प्रोसेस भी एक बार में नहीं होता है, रिपीटेडली आपको करना पड़ता है, क्योंकि यू नो फर्स्ट टाइम है वैसे भी, उसके बाद जाके बेबी का डिलीवरी होता है। उसके बाद गाइस 6:20 अप्रॉक्सीमेट हो रहा था और मेरा जो डॉक्टर है डॉक्टर अखिला, मैंने देखा कि वो आ गई थी और मुझे बहुत ज़्यादा ताकत फील हो रहा था, क्योंकि मेरा डॉक्टर मेरे लिए एक सपोर्ट सिस्टम है। तो अनिर्बन भी आ गया, अनिर्बन आके बोला अरे पूरा रूम चेंज हो गया, ऐसा हो गया। तो मैंने देखा मेरे ऊपर ना इतना बड़ा सा एक हैलोजन काइंड ऑफ कुछ लाइट था, वो जला दिया था और मतलब रूम अलग दिखने लगा था। मैं फर्स्ट टाइम, मेरा एक्सपीरियंस था फर्स्ट टाइम, मेरा ये एक एक्सपीरियंस था, वो रूम में ही आपका सी सेक्शन भी हो सकता है। तो अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो रहा है तो लगे हाथ फटाफट वो लोग सी सेक्शन में ले लेंगे आपको। रेनबो इज़ अ वेरी मच प्रोफेशनल, मतलब बहुत अच्छा हॉस्पिटल है, मेरा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है हैदराबाद रेनबो का। डिलीवरी एनी क्रिटिकलिटी बेबी का एनी क्रिटिकलिटी के लिए बेस्ट हॉस्पिटल है रेनबो। फर्नांडिस सेकंड में रेनबो आता है, पर मेरे लिए रेनबो एकदम भगवान है, ठीक है। सो उसके बाद डॉक्टर ने बोला हाँ मनुषिता एवरीथिंग इज डन, तुम्हें अभी पुश करना है कॉन्ट्रैक्शन आने पे।
पर उस टाइम पे मैं इतना चीख रही थी, शायद मैंने एपिडुरल बढ़ा दिया था कि क्या क्या था, मुझे कॉन्ट्रैक्शन अच्छे से फील नहीं हो रहा था, पर हाँ एक्सट्रीमली पेन हो रहा था। पर वो जो स्क्रीन है ना, वो देख के उन लोगों को पता चल जाता है कि अब आपको कॉन्ट्रैक्शन आ रहा है, ठीक है। तो मैं और नहीं बोल रही थी कि मुझे कॉन्ट्रैक्शन फील नहीं हो रहा है, तो फिर तो और कमा मतलब जीरो कर देंगे एपिडुरल। तो मैं बोलती हाँ ठीक है मैं पूछ कर रही हूँ, मुझे तो पता ही है मेरे हर 30 सेकंड में आ रहा है या तो 10 सेकंड में आ रहा है कॉन्ट्रैक्शन। तो मैं पूछ करती गई। एक नर्स भी था, वो भी बता रही थी। तो नर्स जो था ना, उन्होंने मुझे बोला कि मैं बताऊंगी आपको, ठीक है, उस टाइम पे पूछ करना। तो मैंने शायद 10 टाइम्स प्रैक्टिस, मतलब वो 10 टाइम्स किया। तो अनिर्वन बोले थे बेबी का सर आ रहा है और जब मैं छोड़ रही हूँ सर अंदर जा रहा है, ऐसा होता है। काइंड ऑफ ऑन गार्डेड टाइप का कुछ रहता है जो ऐसे पुश, मैं जैसे बोली ना आपको, ऐसे पुश करके ना आपको ब्रीथ को छोड़ के ऐसे ब्रीदिंग एक्सरसाइज इसीलिए कराते हैं। तो ऐसे आपको मतलब होल्ड करनी है, होल्ड में बेबी को निकलना है, छोड़ नहीं सकते हो। तो आप कितने बार में वो कर सकते हो आपके ऊपर है, अगर नहीं कर पाते हो तो डॉक्टर हेल्प करते हैं, उनके पास कुछ रहता है, ऐसा कुछ रहता है। फिर 7-8 बार ऐसा हो चुका था और बेबी नहीं निकल रही थी। तो मेरी जो डॉक्टर है फोर्सेप जो है ना, वो लेने ही वाली थी कि मैंने फटाक से पुश कर दिया और बेबी का सर फट आ गया। सो अनिर्वन देख रहे थे, मुझे बाद में बताया। तो शायद मतलब 10 टाइम्स ही मैंने किया होगा, जो बहुत ही कम है और मतलब अच्छा है। मतलब बहुत सारे लोगों को बहुत टाइम लग जाता है, पर मैंने उतना मतलब मेरा टाइम उतना नहीं लगा। तो 6:20-6:25 से स्टार्ट हुआ और 6:32 में बेबी का डिलीवरी हो गया। 6:32 में फिर बेबी का डिलीवरी हो गया और जैसे बेबी निकल गया, मुझे ऐसा लगा कि मेरे सारे ऑर्गन्स निकल गए और मेरा पेट ऐसा हो गया। मैंने कहा अरे क्या हो गया। तो और मतलब इनिशियली आपको थोड़ा सा राहत मिलती है और पेन तभी भी रहता है, पर धीरे धीरे आधा घंटे एक घंटे बाद फुल पेन जो है ना एकदम ऐसे जादू की तरह चला जाता है, ठीक है। 6:32 मेरा बेबी बाहर आ चुका था। आते ही डॉक्टर ने बोला इट्स अ बेबी गर्ल। सो मुझे इतना खुशी हुई ना, मैं अनिर्वन की तरफ देख रही थी और तब तक बेबी को दिखाया नहीं था, शायद वो कट कर रहे थे। फिर कट करके ऐसे मेरे पेट के ऊपर डाला, ठीक है, थोड़ा स्किन टू स्किन टच होने के लिए। फिर मैंने देखा एक ब्लैक सा मुंडी है और वाइट सा कुछ है बॉडी, मुझे दिखाई नहीं दे रहा था अच्छे से क्योंकि वो लाइट था ना, लाइट की वजह से मुझे हेलोसिनेशन हो रहा था शायद। तो बेबी को लगा दिया, तो 1 मिनट के लिए दिया होगा, ठीक है। फिर उसके बाद तुरंत उसको लेके गए पीडियाट्रिशियन के पास। और मुझे भी उधर बुला लिए थे। हाँ, तो अनिर्वन चले गए थे और मेरा जो स्टीच मतलब मुझे एपिशियटी में लगी थी, मतलब वजीना के पास में एक थोड़ा सा कट करते हैं डॉक्टर, ताकि बेबी अच्छे से निकल पाए। अगर डॉक्टर कट नहीं करते हैं और वो फट जाती है बेबी के हेड की वजह से, तो उसको स्टिच करने में दिक्कतें होती है, तो इसीलिए डॉक्टर छोटा सा कट देते हैं। जनरली फर्स्ट प्रेगनेंसी में ये होता है। सो अनिर्वन ने वो सब देखा और मैंने बोला तुमको डर नहीं लग रहा था? वेरी गुड। मुझे तो स्टिच का वो भी देखना था एक्चुअली। वो स्टिच नहीं देख पाए, उसको बहुत तकलीफ है। एक्चुअली मैं ना पहले क्या सोचा था, मुझे ये जो चीज़ है ना, ये काफ़ी मतलब एक टफ चीज़ होता है, ठीक है, और मैं इतना इसको टफली नहीं लिया था उस टाइम। मुझे लगा था कि डिलीवरी रूम में मैं एक वीडियो लूँगा कि कैसे होता है ये, बट सही में मतलब इट्स नॉट पॉसिबल। तो और वहाँ पे ना जो था वो सब लोग चीखते हैं पुश 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 कर रहे हैं, यू कैन डू इट, यू कैन डू इट। एक सीन था ना लास्ट में, सब लोग पुश पुश कर रहे थे, तो ऐसे करते डॉक्टर नर्स सभी लोग चिल्लाते हैं पुश पुश यू कैन डू इट, अरे आ रहा है आ रहा है सर, दिख रहा है, ओ हो गया वेरी गुड अम्मा, हो गया ऐसे करते सर। मतलब वो अलग ही एक्सपीरियंस होता है गाइस, पर मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि नॉर्मल डिलीवरी इज ऑलवेज गुड गाइस। एक बार जब हो गया ना, उसके बाद लाइफ ये बहुत इजी हो जाता है, आप चल सकते हो, दौड़ सकते हो। सी सेक्शन में भी आजकल कोई दिक्कतें नहीं आती हैं। ये आपकी चॉइस है कि आप मेजर सर्जरी पे जाओगे, कट लगेगा, स्टिचेस आएगा, या आप नॉर्मल पे जाओगे। नॉर्मल डिलीवरी नॉट ओनली फॉर यू, बेबी के लिए बहुत अच्छा होता है। बर्थ कैनल से बेबी निकलता है ना, तो बहुत सारे वायरस बैक्टीरिया उसके मतलब उसको लगता है, उसके ऊपर तो उससे उसको इम्यूनिटी ज़्यादा हो जाता है, ठीक है। तो बेबी को लेके गए पीडियाट्रिशियन के पास। सो कुछ बहुत सारे लोग जो है ना, अपने फ़ायदे के लिए आपको मिसगाइड करते हैं। जैसे मुझे लोग बोलते थे अगर वाटर ब्रेक हो गया, ओ माय गॉड, तब तो सी सेक्शन। हाँ, अच्छा बेबी का हेड डाउन नहीं हुआ है, तब तो सी सेक्शन। अच्छा ये हुआ है, तब तो सी सेक्शन। मेरा ना, मैं तो चाहती थी सी सेक्शन ना हो, नॉर्मल हो, पर क्या करें, मेरा तो ये था, इसीलिए मेरा सी सेक्शन हुआ है।
तो अगर आप सी सेक्शन चाहते हो तो उसको ग्लैडली एक्सेप्ट करो, आप दूसरों को प्लीज़ मिसगाइड मत करो ये बोल के कि ये इसके वजह से मेरा सी सेक्शन हुआ है. नहीं, ये सब चीज़ों के वजह से सी सेक्शन नहीं होता है. अगर आपका डॉक्टर प्रोफेशनल है, अगर हॉस्पिटल अच्छा है, डॉक्टर आपको उसके फ़ायदे के लिए सी सेक्शन नहीं करा रहे हैं, तो ये सब छोटे छोटे चीज़ों के लिए सी सेक्शन नहीं कराते हैं. मुझे मेंटली ये सब डाला गया था मेरे अंदर कि इसके वजह से सी सेक्शन हो सकता है. मेरे बेबी ने पॉटी इनहेल कर लिया था फिर भी मेरा सी सेक्शन नहीं हुआ है. ये डॉक्टर उन कितना रिस्क है उनको पता रहता है कि बेबी ने अगर पॉटी कर दिया है और मेरा 7 सेंटीमीटर के ऊपर डायलेशन हो गया है तो इजीली नॉर्मल डिलीवरी हो सकता है. आपके कंडीशन के ऊपर डॉक्टर ये डिसाइड करते हैं. सो अगर आपको सी सेक्शन चाहिए प्लीज़ किसी को मिसलीड मत कीजिए जो नॉर्मल के लिए सोच रहे हैं. जैसे मैं थी और मुझे मिसलीड किया जा रहा था. सो उसके बाद क्या हुआ, डॉक्टर पीडियाट्रिशियन, जैसे मैंने बोला बेबी ने पॉटी इनहेल किया था थोड़ा सा, तो ये जो चीज़ है ना ये काफ़ी एक सेंसिटिव चीज़ होता है क्योंकि इसमें लाइफ रिस्क हो सकता है. ठीक है, तो ये टोटली डॉक्टर डिसाइड करता है कि कितना बच्चा जो है वो कितना सह सकता है. रिस्क प्रॉब्लम में हमेशा रेनबो और हरे डॉक्टर बैलेंस करते हैं जो अप्रोप्रिएटली होता है एकदम. फिर पीडियाट्रिशियन ने उसको बोला उसने पॉटी इनहेल किया है, हम क्लीन कर रहे हैं, 2 घंटा केयर पे ऑब्जर्वेशन पे करेंगे, कुछ प्रॉब्लम होता है तो हम आपको बताएंगे. शिफ्ट करने वाले थे तो देखो मेरा हॉस्पिटल में जो स्कैन वगैरह डॉक्टर फीस बहुत ज़्यादा था बाकी सारे हॉस्पिटल के हिसाब से, पर मेरे बेबी को 2 घंटे के बाद अगर उन्होंने देखा कि बेबी सही है तो मुझे दे दिया. और एक दिन के लिए भी, कुछ घंटे के लिए भी वो लोग एनआईसीयू में नहीं रखे. तो इसके मतलब ना ही हमारा कोई हॉस्पिटल से जान पहचान था, ना ही वो मैं उनको स्पॉन्सर कर रही थी, वो हमें स्पॉन्सर कर रहे थे. मतलब मैं एक नॉर्मल पेशेंट की तरह ही गई, कोई मेरा ये नहीं था कि किसी के एक्स्ट्राऑर्डिनरी कुछ भी नहीं. हाँ, फिर भी उन्होंने मुझे एकदम प्रॉपर ट्रीटमेंट ही दिया, कोई ऐसा पैसा लूटने के लिए कुछ नहीं किया ऐसा. तो मैंने तो फुल उसके उन लोगों के ऊपर ट्रस्ट है. फिर 2 घंटे बाद फिर मुझे स्टिचेस लगा रहे थे और स्टिचेस में बिल्कुल आपको पेन नहीं होता. एक तो आपको इतना ज़्यादा दर्द होता है कि आपको पेन फील नहीं होगा, सेकेंडली वो एक एनेस्थेशिया दे के ही कट करते हैं. सो ऐसा नहीं है कि आप मतलब जगे हुए हैं और कट कर दिया आपको बेहद, ऐसा बिल्कुल नहीं, ऐसा पेन कुछ पेन फील नहीं होता है. तो उधर पे स्टिच करा दिया था मेरा. बाकी उसके बाद 2 घंटे बाद बेबी को दे दिया, 1 दिन बाद मुझे छोड़ दिया. 5 डेज तक आपको पेन किलर दिया जाता है डॉक्टर्स की तरफ से, 5-7 आपके ऊपर डिपेंड करता है. तो मुझे 5 डेज तक तो कुछ फील ही नहीं हो रहा था, मैं ऐसे उछल कूद कर सकती थी. हाँ, बेबी को फीड कराने में थोड़ा सा मतलब दिक्कतें होती, क्योंकि न्यू मॉम है ना आप. तो मेरा एक भी टाइम के लिए फार्मूला मिल्क बेबी ने नहीं पिया. फर्स्ट टाइम कोलेस्ट्रॉम बोल के एक चीज़ निकलता है वाइट कलर का, जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, वही बेबी पीना ही चाहिए. हाँ, उसके बाद 1 दिन बाद से अच्छे से मिल्क आना स्टार्ट हो गया, बेबी मिल्क लेती रही. अच्छा, डाइट आप फॉलो कीजिए, कोई मिथ फॉलो मत कीजिए कि ये खाना है वो खाना है, पहले ज़माने में ये खाते थे वो नहीं. जो खाना है उसके ऊपर मैं एक वीडियो बनाऊंगी अगर आप चाहते हो कि क्या क्या खाना चाहिए जिससे आपको मिल्क सप्लाई अच्छा होगा. और मैंने बेबी को एक बार फॉर्मूला एक बार भी नहीं दिया, तो आई एम वेरी प्राउड. अभी तक खरीदी ही नहीं है. प्राउड के हाँ, मैंने बेबी को अभी तक नहीं दिया है और अच्छा डाइट के वजह से मैंने बेबी को मेरी ज़रूरत नहीं लगी है. ठीक है, और आफ्टर 5 डेज पेन किलर का असर जब कम हो जाता है तब मुझे थोड़ा सा पेन हो रहा था. फीड कराते हुए बैठे रहते हैं ना तो स्टिचेस के ऊपर लगता है, तो मुझे लग रहा था कि मुझे 2 हफ्ते अगर पेन किलर दिया जाता तो अच्छा होता, पर 5 दिन के बाद पेन किलर स्टॉप हो गया था. उसके बाद नेक्स्ट 10 डेज तक मुझे हल्का पेन था, उसके बाद से पेन नहीं था बिल्कुल भी. 2 वीक्स बाद डॉक्टर, ऐसा भी नहीं है कि उसको आप टॉलरेट नहीं कर सकते. हाँ, टॉलरेबल था. फिर डॉक्टर देखे मुझे 2 वीक्स बाद, फिर उन्होंने बोला अब तब भी ना मैं टच करती तो थोड़ा स्टिचेस का जो शूतो क्या होता है रुई रहता है ना वो मुझे हाथों में टच होता था. ठीक है, और डिजॉल्व हो जाता है. वो डिजॉल्व हो जाता है और एक ऑयलमेंट दिया जाता है, बेटाडीन सॉल्यूशन दिया जाता है जिसके वॉश करते हैं एवरी वॉशरूम विजिट पे. तो कोई प्रॉब्लम की दिक्कत की कुछ भी चीज़ नहीं है कि नीचे भी तो स्टिच लगेगा, नहीं नीचे का स्टिच में आपको कोई दिक्कत नहीं होती है. फिर 2 वीक्स बाद आप देखोगे कि आपको कुछ प्रॉब्लम नहीं हो रहा है. फिर 4 वीक्स बाद तो मतलब कहाँ स्टिच है आप ढूंढ ही नहीं पाओगे. ठीक है, तो 6 वीक बाद तो एकदम कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होता है. पर मैंने कुछ गलती किया है, वो आप गलती मत दोहराना. मैं बेबी को लेके आधा घंटा एक घंटा भी बैठ के फीड कर रही थी, मतलब एवरी डे ऐसा हो रहा था. उसके वजह से ना मुझे पाइल्स का प्रॉब्लम हो गया था क्योंकि रेक्टम पे ऊपर प्रेशर पड़ रहा था, मैं पॉटी आ रहा था नहीं जा रही थी, कॉन्स्टिपेशन हो रहा था लगातार. तो बेबी को आधा घंटा करके ही फीड कराइए. बेबी अगर 1 घंटा चाह भी रही है, आपको पॉटी आ गया है, तो प्लीज़
आप अपने आप के ऊपर भी ध्यान रखिए, आप हस्बैंड को पकड़ा दीजिए, आप वॉशरूम करके आके फिर से बेबी को लीजिए, ये मेरा हब तरफ से सजेशन है। और कुछ जानना है तो कमेंट सेक्शन में बताना। मेरा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है, मैंने आपके साथ शेयर किया, एपिड्यूरल का कुछ भी फीलिंग्स नहीं है मुझे, एपिड्यूरल से आपको पैरालिसिस हो जाएगा, ये वो ये सब मिथ है, कुछ नहीं होता है। गो फॉर एपिड्यूरल, गो फॉर नॉर्मल डिलीवरी, नॉर्मल डिलीवरी इज़ अ एक्सीलेंट थिंग, आप बहुत प्राउड फील करोगे अपने ऊपर, कोई प्रॉब्लम नहीं होता है गाइस, ना बेबी के ऊपर ना आपके ऊपर। ये सारे लोग जो है ना झूठ मूठ के बोलते हैं ताकि आप नॉर्मल डिलीवरी ना कराओ, बट आप करा सकते हैं। एक चीज़ मैं बताना चाहता हूँ, जब दुनिया में इंसान आए थे ना तो उस टाइम नॉर्मली होता था, सी सेक्शन नहीं था, उसके बाद लाखों साल हो गए तो नॉर्मली चलता है ये सी सेक्शन, कुछ प्रॉब्लम नहीं होता है गाइस। पर ये मैं नेक्स्ट फिर से बोल रही हूँ, आपका चॉइस है कि आप कौन से में जाना चाहते हो, पर नॉर्मल डिलीवरी ये वो ऐसा कुछ नहीं होता है, ठीक है। अगर आपका बॉडी ठीक है, आप डॉक्टर की हर एक बात मानते हो, तो आपको कोई दिक्कतें नहीं आएगी, चाहे नॉर्मल हो सी सेक्शन हो। बेस्ट विशेस फॉर यू एंड योर बेबी। चलो फिर मिलते हैं, बाय बाय।